उत्तर प्रदेश के महोबा में बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी 10 वर्षीय मासूम बेटी को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला महोबा कोतवाली का है, जहां पीड़िता की मां और मामा मासूम को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे और पति के खिलाफ बेटी से ही दुष्कर्म करने की तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हमारे पति ने, हम गांव चले गए थे, पति ने बलात्कार किया लड़की के साथ, गलत सोच रहा था, मुर्गा बनवाता रहा, मारता रहा। क्या करवाता रहा? मुर्गा ऐसे नीचे पांव ऊपर, हम ऐसे बैठ के मुर्गा स्कूल बनवाते थे। जब शाम के जब उन्होंने बताया। आप कहां गई थी जब ये घटना हुई? गांव गए थे। घटना नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए कहा गया था, उसमें वो मारपीट कर दी है, तो भाभी ने आरोप लगा दिया, बीवी ने आरोप लगा दिया, मारा पीटा भी है। कोतवाली थाने क्षेत्र में जो है, एक महिला ने आके सूचना दी कि उसकी नाबालिग बच्ची है, उसके साथ जो है उसके पति यानी उसके पिता के द्वारा जो है दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस संबंध में जो है थाना तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मेडिकल इत्यादि जो बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। महोबा से इनसाइट न्यूज के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।